नमस्कार। गरीबी, कंगाली, दरिद्रता और कर्ज से मुक्ति अगर आप पाना चाहते हैं तो जो प्रसंग आज मैं सुना रहा हूँ बड़े प्रेम से सब सुने, और जिसके घर में भी इस प्रकार की कंगाली, कर्ज, दरिद्रता, परेशानी और घर में अशांति छाई हुई है उसको दूर करने में ये जो प्रसंग है ये आपकी मदद करेगा। आपको सुनना चाहिए। पति और पत्नी में प्रेम होगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि का वातावरण फैलेगा। कौन नहीं चाहता कि मेरे घर में धन धान्य सुख समृद्धि रहे, मेरा परिवार सुखी रहे और मेरी पत्नी और मेरे बीच में कोई दरार पैदा ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। सुदामा बहुत गरीब था, शापित था, वो अलग बात है, लेकिन उसकी पत्नी सुशीला ने कहा आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते। वो चले गए। अनु ने विनय करने के बाद थोड़े से चावल लेकर के गए। तो सूत्र यहाँ से शुरू होता है, थोड़ा सा चावल पूजा के स्थान में रखिए, समझ लो भगवान लेकर के जाएंगे, कटोरी में रखिए, छोटा सा रख दीजिए, और अभी होलास्तक आने वाले हैं उससे पहले रखिए, सोमवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन रख सकते हैं। अब भगवान कृष्ण की याद में बहुत दिनों से तड़प रहे थे, सुशीला ने थोड़ा सा उनको एक इशारा किया और वो तैयार हो गए। थोड़े से तंदूर चावल बगल में दबा करके भगवान कृष्ण के यहाँ पहुँच जाते हैं, और फटे हुए कपड़े हैं ना, उन्होंने क्षौर कर्म सेविंग नहीं की, फटे हाल हैं, पैरों में विवाहियाँ पड़ी हुई हैं, विवाहियाँ मतलब पैर फटे हुए हैं, एड़ियाँ, जूते का चप्पल का निशान तक नहीं है। तो वहाँ जाते हैं, जिस प्रकार सुदामा करुणापूर्ण भाव से, आर्त भाव से, पुकारने की दृष्टि से आतुर होकर के भगवान से मिलने गया, ठीक इसी प्रकार हर व्यक्ति को अपने पूजा के स्थान में ये सोचकर जाना चाहिए कि भगवान उसी प्रेम से मेरी बात सुनेंगे, करुणा भाव से, करुणा भाव चाहिए। निर्मल मन जन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान श्रद्धा भक्ति के भूखे हैं, भक्त्याम तुष्यति केवलम, भक्ति से संतुष्ट होते हैं, प्रेम से। जो धोखेबाज लोग हैं कि अच्छा भगवान जी मेरा ये काम कर दो, मैं आपको दीपक जलाऊंगा, फूल चढ़ाऊंगा, ये नहीं, भगवान धोखे में नहीं आते किसी के, सच्चा प्रेम चाहिए उनको। तो वो सच्चा प्रेम कैसा होता है, तो गए द्वारिकापुरी में सुदामा जी और पूछते हैं इधर उधर लोगों से, तो उस प्रसंग को आइए बड़े प्रेम से सुनिए। उन्होंने एक द्वारपाल से पूछा कि भाई मेरे मित्र सुदामा, मैं सुदामा हूँ और मेरा मित्र श्री कृष्ण द्वारिकाधीश यहाँ कृष्ण रहता है। बोला आगे चल के पता करो। चलते चलते उनके द्वार पर पहुँच गए और कहा कि भाई मैं श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। तो वो जो दौड़ा हुआ गया है और एक इस प्रकार का मैसेज संदेश लेके गया कृष्ण के पास, और ये इस तरह से बात की है, सस्पेंस रखा है, और जो सुदामा नाम है वो लास्ट में आता है। देखिए अब मैं शुरू करता हूं। द्वारपाल कहता है कृष्ण जी से, भगवान से, कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण सुन रहे हैं बड़े प्यार से, पता तो उनको सब है, मुस्कुरा रहे हैं हृदय के अंदर। द्वारपाल के शब्द हैं, ये बहुत सुंदर कविता है। शीश पगान झगातन में अरु जाने को आहि बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा।
बुझत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। बहुत सस्पेंस के साथ सुनिए आप इसमें क्या क्या बात है। सिर पर पगड़ी नहीं है, पगा मतलब पगड़ी नहीं है, झगा, झगा का मतलब कुर्ता झिंगोला, और जाने को आही पता नहीं कहां से आया है, बसे के ही ग्रामा किस गांव का रहने वाला है। बुझत दीन द्वार पर खड़ा हुआ है, दुर्बल है, कमजोर सा एक आदमी आया है। बुझत दीन दयाल को धाम, आपका धाम पूछ रहा है, घर पूछ रहा है, आपका निवास कहाँ है। बतावत आप उन्हों नाम सुदामा, बस 440 वोल्ट का जैसे करंट लगता है ऐसे लगा। छाड़े राज काज पुनी, ऐसे जी की गति जाने को, यानी कि अंक लिपटाए जाकर के गले मिले। तो हाय महादुख पाए सखा तुम, आए किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौंपग धोए। जब प्रेम और करुणा के साथ भक्त भगवान से मिलने की कोशिश करता है तो भगवान ये नहीं सोचते कि आंसू किसके लिए स्रवित और द्रवित हो रहे हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, भगवान किसके पैर पखार रहे हैं अब ये तो देखिए। तो भक्त्याम तुष्यति केवलम, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, प्रेम के भूखे हैं और तीनों लोकों का राज्य देने के लिए आतुर हो जाते हैं। वो तो शुक्र करो कि लास्ट वाला हाथ पकड़ लिया रुक्मणी ने, नहीं तो तीनों लोग क्या कर रहे हो वासुदेव, ये तीनों लोग ही इनको दे रहे हो। वो फंकी मार रहे थे जो तंदुल लाए हैं सुदामा, उनको खाना शुरू किया, क्योंकि प्रेम से जो भगवान को देता है भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं श्रद्धा और भक्ति से। अब आप ये देखिए, भगवान आपका दिया हुआ भोग खाते हैं या नहीं ये प्रमाणित करके दिखाऊंगा मैं आपको। अभी देखिए, अभी तक एक रसोई में चावल का डब्बा रखा हुआ है, वो चावल का डब्बा आपका है, आप खाएंगे। बोले कोई पूछेगा ये डब्बा किसका, कि हमारा है। लेकिन एक कटोरी में निकाल करके आप भगवान के सामने रख दीजिए और आंख बंद कर लीजिए, प्रभु आपके लिए ये चावल है, हम समर्पित कर रहे हैं आपको। उसके 10 मिनट के बाद फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये चावल मेरा है, अब आप ये कहोगे ये तो भगवान का है, भोग लगाया हुआ। केले आप बाजार से लाओ, रिक्शा में बस में बैठ कर के आओ, कोई पूछेगा कि क्या है, किसका केला है, आप बोलोगे मेरा केला है, उसके बाद भगवान को अर्पण करो, फिर वहाँ से ग्रहण करो। फिर अब आप किसी को केला दो, वो पूछेगा किस उपलक्ष में, बोले भगवान का प्रसाद है। अब ये भगवान का हो गया, इसका मतलब भगवान आपका प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, खाते हैं भगवान। ये मिथ्या भ्रम में नहीं रहना चाहिए, इसीलिए अपने घर की दरिद्रता, कंगाली, कर्ज, दुख, मुसीबत, समस्याएं, अशांति, असफलता अगर दूर करनी है तो इतना सा चावल बृहस्पति और सोमवार या शुक्रवार को भी आप रख सकते हैं। शुक्ल पक्ष में ये काम करना चाहिए, और शुक्ल पक्ष अभी चल रहा है, होलाष्टक 27 तारीख तक है, उससे पहले आप ये काम कीजिए। और भगवान कृष्ण इस मास में खास तौर से आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपको आवश्यकता है थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा करके भक्ति और श्रद्धा दिखानी चाहिए। यादृशी भावना तस्य, जैसी आपकी भावना होगी सिद्धिर भवति तादृशी, बस मन में दुख दुख और शंका ना हो, पता नहीं भगवान करेंगे या नहीं करेंगे, करके देखिए एक बार। अंधे बन जाओ भगवान के प्रेम में, ज़्यादा होशियार और चटक जो बनता है, जो बनेगा चटक वो जाएगा भटक और गाड़ी जाएगी अटक। तो आइए और शुरू कीजिए भगवान के प्रति समर्पण भाव,
आपको सब कुछ प्राप्त होगा, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद, नमस्कार।